अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग वाइस का बिजनेस अकाउंट कैसे साइन अप कर सकते हैं और वेरीफाइड कर सकते हैं ऑन आवर यूएस एलएलसी डिटेल। जी हाँ बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि वाइस का बिजनेस अकाउंट हम लोग कैसे साइन अप करें। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स बताते चलूँ कि आप लोगों के पास वाइस का बिजनेस अकाउंट साइन अप करने के लिए यूएस का एक बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, यूएस का एक बिजनेस नंबर होना चाहिए और यूएस एलएलसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों का एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि ईआईएन नंबर भी बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं तो आप लोग अपना वाइस का बिजनेस अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप लोगों को ये वाइस का बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि आप लोगों के पास यूएस एलएलसी वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें ईआईएन वगैरह नहीं है, तो आप लोग अभी के अभी वेबिक सॉल्यूशन से यानी कि हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कंप्लीट करके अपने वाइस के बिजनेस अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। स्क्रीन पर चलने से पहले आप लोगों को बताते चलूँ कि हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइव होती रहती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और याद रहे स्टार्ट से लेकर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना ताकि आप लोग अपना वाइस का बिजनेस अकाउंट साइन अप कर सके। हम लोग चलते हैं अकाउंट किस तरह क्रिएट करें। अकाउंट इस तरह क्रिएट करने के सबसे पहले भाई बिजनेस पे क्लिक करना है। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल डालेंगे। मैं यहाँ पर अपनी एक ईमेल डाल देता हूँ। आप इसके लिए एक सेपरेट ईमेल बना लें ताकि आपका बिजनेस अकाउंट बिल्कुल सेपरेट रहे। और या तो आप हमसे अगर कंपनी बनवाएंगे तो हम एक बिल्कुल ही अलग ईमेल पर आपकी कंपनी की सारी चीजें करेंगे तो आपकी ईमेल अलग रहेगी। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक ईमेल डाल दी है, ठीक है। ये ईमेल डालने के बाद हम पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड में कुछ भी रख लेता हूँ, जो भी पासवर्ड करें आपको याद रखना है उस पासवर्ड को, ठीक है। अब आप किस कंट्री में बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस। नेक्स्ट आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर आकर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें और पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद क्लेम योर फ्री ट्रांसफर, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पर, ये कर दिया। उसके बाद आपसे बोल रहा है वेरीफाई योर शू नंबर और कोड, ओके। तो हमने जो नंबर डालना है वो हमने नंबर डालते हैं प्लस वन। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपना यूएस का नंबर डाल लूँ। हमने कंट्री कोड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नंबर डालते हैं। वेरीफिकेशन आएगा, अब वेरीफिकेशन कोड को आपको एक्सेप्ट करना है। नंबर इंसर्ट होने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट पेज पे ये पूछेगा फिल इन योर बिजनेस डिटेल्स। मतलब इस पेज पे आपको अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालनी होगी। तो सबसे पहले आप कंट्री में अपना यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड बिजनेस नेम लिखेंगे जो आपका बिजनेस नेम है। सेकंड आप लिखेंगे कंपनी टाइप, आपकी कंपनी टाइप होगी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी। एंड ईआईएन नंबर डालेंगे, ईआईएन नंबर आपको गिवन होगा जो जिसने भी आपकी कंपनी फॉर्म की होगी या हमसे बनवाई होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या आपने खुद बनाई होगी तो आपको पता होगा। ईआईएन डालेंगे, ईआईएन डालने के बाद अपना एड्रेस का पूछेगा या आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो डालने के बाद आप इसको कन्फर्म करेंगे और कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर इस तरह से कुछ स्क्रीन आपको शो होगी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा कि आपने जो ट्रेडिंग एड्रेस डाला है वो यहाँ पर शो कराएगा। वो आपसे बोलेगा कि आर यू श्योर द एड्रेस इज़ राइट, तो आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये एड्रेस सही है। अगर आपको लगता है कि एड्रेस में कुछ भी गलती है तो आप एडिट करके दोबारा से उसको एडिट करें और कंफर्म। तीन चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपसे ये बताना पड़ेगा, आपसे ये पूछेंगे कि डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो बिजनेस को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों के पास क्या होगा कि आप बताएंगे वी आर इन ई-कॉमर्स कंपनी सेलिंग गुड्स ऑनलाइन एट थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़न एंड ईबे। प्रोडक्ट्स कैटेगरी अपनी डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जो है वो एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखेंगे, अगर आप लोगों ने अमेजोन अकाउंट बनाना है वाइस अकाउंट बनाने के बाद तो आप ये लाइन यहाँ पर ऐड कर देंगे वी विल क्रिएट अमेजोन अकाउंट आफ्टर आवर वाइस अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड विल शेयर यू द लिंक ऑफ अमेजोन अकाउंट इफ नीडेड। अगर आपने अमेजोन अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर तो जरूरत नहीं है, आप अमेजोन अकाउंट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे इन्हें। नेक्स्ट हम चलेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेलेक्ट करने, वन करें या टू से टेन करें आपकी। नेक्स्ट पेज से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा फिल इन योर डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि लेट सपोज गुलाम और लास्ट नेम है रसूल। डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे, पाकिस्तान होगा आपका तो पाकिस्तान लिखेंगे जैसे कहते। नेक्स्ट आप होम एड्रेस डालेंगे जो आपका पाकिस्तान में जहाँ पे भी रहते हैं, कराची में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं या पंजाब के लाहौर वगैरह में कहीं पे भी रहते हैं आप वो एड्रेस प्रॉपर डालेंगे विद पोस्टल कोड और एक्यूरेट एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास आएगा व्हाट कैन वी हेल्प योर बिजनेस डू। तो इसमें बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर आप क्या करते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कलेक्ट ई कॉमर्स सेल, क्योंकि आप ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए अकाउंट बना रहे थे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें इसे। हमने यहाँ पे कलेक्ट ई कॉमर्स सेल्स को चूज कर लेना और नेक्स्ट हमें आगे मूव करना है। नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट वहाँ से पूछेगा चूज योर प्लान।
हमारे पास दो प्लान है, एक तो है 0 USD यानी कि फ्री वाला है, और एक है $31 का। $31 आपको पे करने पड़ेंगे, उसमें सारे फीचर्स होंगे, बैंकिंग फीचर्स जो वाइज प्रोवाइड करता है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे जाने के बाद आपसे दोबारा से पूछेगा कि डिस्क्राइब योर बिजनेस डज, डिस्क्राइब योर बिजनेस या डिस्क्राइब व्हाट योर बिजनेस डज। तो आप यहाँ पर दोबारा से जो हमने वर्डिंग बताई थी ना कि वी आर इन कॉमर्स कंपनी, और ये वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दोबारा से डाल देंगे वही चीज़। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा व्हाट आर द कंपनी डायरेक्टर्स, अपने कंपनी डायरेक्टर्स के बारे में पूछेंगे, नाम लिखेंगे आप सही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ रही होगी, पाकिस्तान कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने जो ना वो लिखना है और कंटिन्यू कर देना। हु आर द बिजनेस ओनर, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई कितने ओनर्स हैं, दो हैं, मल्टीपल्स हैं या एक ही ओनर। तो आप और एक ही ओनर है तो आप आई एम द ओनली ओनर पे, आई एम द ओनली ओनर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे पूछ रहा है आपसे कंफर्म योर सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दें, जैसे अगर पाकिस्तान से अप्लाई करने तो आप लोगों के पास नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन एंड डोंट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर और ITIN नंबर, इस पर क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप अपना CNIC का फ्रंट साइड और बैक साइड की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे PDF फॉर्म में, PDF फॉर्म में अपलोड करने कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा थैंक्स यू आर ऑल डन फॉर नाउ फिनिश, आप फिनिश करेंगे नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो ये आपसे पूछेगा आपको कौन कौन से जो है ना वो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वाइज जो मल्टी करेंसी अकाउंट बैंक अकाउंट है प्रोवाइड करता है, तो इसमें हमारे पास मल्टी करेंसी के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर लेट सपोज हमने चूज कर लिया GBP अकाउंट और USD अकाउंट, ठीक है। इन दोनों को चूज करने के बाद ये $31 की पेमेंट मांग रहा है वन टाइम ओपनिंग अकाउंट चार्जेस है। कंटिन्यू करने का डेबिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पेमेंट करेंगे। अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पर आप डालिएगा, आप पाकिस्तान में तो नया पे सदा पे इस तरह के कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए फिजिबल है। यहाँ पर अपना कार्ड डाल के सेव कार्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट से अनचेक कर दिए ताकि आपका ये कार्ड सेव ना रह जाए। पे $31 का पेमेंट हो जाएगी, तो ये बोलेंगे थैंक्स दैट्स एवरीथिंग वी नीड थैंक्स एक्सप्लोर योर अकाउंट, एक्सप्लोर योर अकाउंट पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट आपके पास ये अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये शो करा रहा होगा कि फॉर योर अकाउंट डिटेल्स पेइंग $31, $31 आपने पे कर दिए हैं और ये अभी इन पेंडिंग स्टेटस है। जैसे ही अभी अप्रूव हो जाएगा आपका अकाउंट रेडी है, वेरिफिकेशन के बाद आप जो है ना इसको यूज कर सकते हैं। आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन ईमेल के लिए इन्होंने एक लिंक भेजा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपनी ईमेल भी कंफर्म कर लिएगा और ये आपका अकाउंट हो गया रेडी, आप इसको यूज कर सकते हैं अपना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और काफी ज्यादा अच्छी लगी, और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ वीडियो को एंड करेंगे, बट आप लोगों के बताते चलूंगा अगर आप लोग हमसे कोई सर्विस चाहते हैं या वाइस बिजनेस अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को बहुत ही ज्यादा स्पेशल रेट्स में आप लोगों को USLLC के साथ साथ अपने वाइस के बिजनेस अकाउंट साइन अप करके देंगे जो आपकी USLLC की डिटेल्स पर होंगे, आपकी ओनरशिप के अंदर होंगे और उसके थ्रू आप लोग अपनी इंटरनेशनल पेमेंट मंगवा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो जल्दी करें अगर आप लोग अपना वाइस का बिजनेस अकाउंट साइनअप करना चाहते हैं, खुद भी बना सकते हैं अपनी USLLC डिटेल्स पर, अदरवाइज हमसे कांटेक्ट करके अपने वाइस के बिजनेस अकाउंट साइनअप करवा सकते हैं ऑन योर USLLC डिटेल्स। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हासिल होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।